वही भिंड जिले के लहार में शासन के आदेश के पालन में नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले तालाब, कुआं, बावड़ी और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए विशेषज्ञ अभियान दिनांक चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में चर्चा के लिए नगर पालिका कार्यालय में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें नगर में कुआं, बावड़ी, तालाबों और नदी तथा अन्य जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में स्थित कुआं, बावड़ी, तालाबों, नदी और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण के लिए गठित दलों द्वारा कार्य किया जाएगा। जल स्रोतों के संरक्षण हेतु लहार नगर पालिका द्वारा उनकी साफ सफाई और उनको मरम्मत, जालों उनके ऊपर जालों को जाल डाले जाएंगे, उनको साफ सफाई की जाएगी और भाटन ताल है, मात्र एक तालाब है, उसकी भी साफ सफाई कराई जा रही है और पुनर्जीवित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। क्या कोई दल भी गठित किए गए हैं इसके लिए? हाँ, इसके लिए दल गठित किए गए हैं और समाज सेवी जो हैं हमारे नगर के, उनसे भी सहयोग लिया जा रहा है, माननीय पत्रकार बंधुओं से सहयोग लिया जा रहा है और नगर के सभी गणमान्य नागरिकों से इसमें सहयोग लिया जा रहा है, जिससे कि जो स्रोत हैं उनके द्वारा जल संरक्षित हो सके।